नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल NRJ Finance पर, जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ऑलमोस्ट 11 स्टॉक्स हैं हमारे पास, जिसमें से SBI, ग्लेनमार्क, गोदरेज प्रॉपर्टी, कोल इंडिया, सनफार्मा, ग्रासिम, मुथुट फाइनेंस, HUL, ITC और पेट्रोनेट है, और साथ में M&M फाइनेंस भी है। तो बने रहिएगा वीडियो में और देखते हैं इन स्टॉक्स में क्या लेवल एक्सपेक्टेड है चार्ट के अकॉर्डिंग, और साथ में हम लोग देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के भी लेवल्स। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं SBI के लिए। और SBI को जब आप देखते हो, इसमें इन्वर्टेड HNS पैटर्न बिल्कुल बना हुआ है, आपकी आंखों के सामने दिख रहा है, राइट। अगर नहीं दिख रहा है तो यह फिर आप ऐसे देख सकते हैं, लेकिन बात वही है दोस्तों कि क्या यह ब्रेक करेगा। अगर ब्रेक करता है देन इट्स वेरी गुड, एक तरह से अच्छा ही होगा, एक ब्रेकआउट आपको मिल जाएगा SBI में। और जिन लोगों ने पहले से होल्ड करके रखा है, खास तौर से जब 160 से लेकर के 170 के लेवल पे जिन्होंने कैच किया था, या 180 के आसपास पे जिन्होंने कैच किया था SBI को, उनके लिए बहुत अच्छा है। और ऐसे में ये जो एक रैली दे सकता है, वो आपको 215 से लेकर के 220 तक की रैली दे सकता है। तो SBI पे अगर आप लोगों ने पहले से लोअर लेवल्स पे होल्ड कर रखा था, इसको बाई किया था, बने रहे। अदरवाइज इसमें दूसरा एक चांस और है, देखिए, जो कि पहले भी इसमें यही होता रहा है कई बार से, और इसके लिए मैंने SBI के लिए मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया था, अगर आप लोगों को याद हो, SBI की पूरी एनालिसिस उसमें दिखाई थी आपको। कई बार से दोस्तों ये जो लेवल है, ऑलमोस्ट 199 का बोल दीजिए या 200 का लेवल है, ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस का भी काम करता रहा। यहां पर देखिए, आया, नीचे आया, फिर यहां आया, फिर नीचे आ गया, फिर उसके बाद में यहां आकर के टेस्ट किया, फिर नीचे, एंड अगेन इट ट्राइज टू टेस्ट अराउंड यू नो अबाउट 195, अगेन डाउन। और अभी आप देख रहे हो इस बार 198, इवन 201 तक के लेवल फिर से इसने दे दिए हैं, फिर से नीचे है। तो मंडे के दिन के लिए मैं बोलूंगा इंट्राडे में फिर से इस पे देखिए, स्टॉप लॉस आप लोग बहुत ही छोटा रखना, क्योंकि मार्केट बिल्कुल इस समय कभी भी चौंका सकती है। ऐसे में स्टॉप लॉस अपना बहुत ही इतना एम्फेसाइज करके आप उस पे चलिए कि आपको ज्यादा लॉस ना हो। तो आज की कैंडल, यानी कि जो फ्राइडे को कैंडल बना है, उसका लो क्या है, 195 है, बस आप उसी को अपना स्टॉप लॉस बना करके रखिए। और ये अगर कंटिन्यू करने लगे, पहली बात तो मैं इसमें बेस्ट सिनेरियो यही बोलूंगा जब 203 के ऊपर कंटिन्यू करता है SBI। इफ SBI कंटिन्यूज अबाउट 203, यू कैन टेक अ इंट्राडे ट्रेड आल्सो। इंट्राडे में 203 के ऊपर आपको एंटर करना है, और आप वहां से 205-209 तक के टारगेट देख सकते हैं। अदरवाइज मार्केट निगेटिव ओपन होता है, तो ऐसे में दोस्तों नो डाउट फिर बैंकिंग सेक्टर भी आपको नीचे की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। तो फिर ऐसे में वेट करेंगे 193 का लेवल, अगर ये ब्रेक कर देता है देन 187 तक के लिए आप इंट्राडे डाउन साइड में भी ट्रेड कर सकते हो। बट ओवरऑल जो चार्ट बोलता है, वो यही बोलता है कि ऊपर की तरफ ये ट्राई करता जा रहा है, करता जा रहा है। और अभी भी अगर आप यहां से ट्रेंड देखेंगे, राइट, ट्रेंड देखोगे लगातार ऊपर की तरफ बना हुआ है, तो ब्रेकआउट ऊपर की तरफ के ज्यादा है। और जैसा कि आप देख रहे हो निफ्टी में भी वही चीज चल रही है दोस्तों, नीचे तो ये बार बार 10,680 के आसपास आता है, फिर वहां से बाइंग स्टार्ट हो जाती है। ऊपर की तरफ थोड़ा प्रॉब्लम जरूर है निफ्टी में, 10,880 का लेवल ब्रेक नहीं कर पा रहा है। 880 का लेवल तो दूर की बात है, 10,840 अभी क्रॉस करके उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, लेकिन ये ट्राई करता रहेगा, राइट। और अभी आप देख रहे हो पिछले, जैसे कि फ्राइडे की आप जब बात करते हैं, तो फ्राइडे के दिन रिलायंस सिंगल बंदा था, रिलायंस, सनफार्मा, ये दो तीन स्टॉक्स ऐसे थे जो कि HUL, इन तीन स्टॉक्स की वजह से निफ्टी बार बार गिर करके ऊपर आ जा रहा था, राइट। मतलब सोलो परफॉर्मेंस चल रही थी इन तीनों की, सनफार्मा, रिलायंस और HUL की। तो यही चीज दोस्तों, अगर इसमें और सारे स्टॉक्स भी पार्टिसिपेट करने लगते हैं, जैसे कि HDFC हो गया, HDFC बैंक हो गया, कोटक हो गया, राइट, और उधर से मारुति ले लीजिए, या फिर अदर IT स्टॉक्स में इंफोसिस हो गया, तो ये सारे स्टॉक्स जब अगर परफॉर्म करना स्टार्ट कर देंगे, तो फिर नो डाउट निफ्टी 11,000 के लिए भी ट्राई कर सकता है।
तो इन सारी चीजों को देखना है हमें मंडे के दिन। और सबसे बड़ी बात मैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो बोलूंगा, इस समय बल्क में आप बिल्कुल भी कुछ बाई करके मत रखो। इनकेस अगर आपका ये प्लान है कि नहीं मुझे लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना, सपोज लॉन्ग टर्म इन द सेंस 2-3 ईयर्स के लिए, तो फिर आप उसमें थोड़ा थोड़ा निवेश कर सकते हो। लेकिन बट अगेन बल्क में नहीं खरीदना है आपको कुछ भी। सपोज आपके पास 1 लाख रुपी है, तो आप अभी इस मौके पर भी आपको लग रहा है कि नहीं मार्केट अब ऊपर जाता जाएगा और आपको कहीं ना कहीं स्टॉक्स कुछ अच्छे अट्रैक्टिव प्राइस पर दिख रहे हैं, जैसे SBI की बात कर लो, स्टिल दिस प्राइस इज वेरी अट्रैक्टिव। ठीक है, इसके बाद में M&M फाइनेंस की भी बात करूं, उसमें भी दोस्तों सेम सिनेरियो है, दिस प्राइस इज वेरी अट्रैक्टिव फॉर दिस स्टॉक, और ये अभी ट्राई कर सकता है 250 से 270 तक आने के लिए, बिल्कुल ट्राई कर सकता है। अगर निफ्टी ऊपर चलेगा तो ये स्टॉक भी पीछे नहीं रहेगा और ये परफॉर्म करेगा करके 250 तक के लेवल ये आपको बना के दे सकता है। तो ऐसे में आप इनमें थोड़ी थोड़ी, यानी फिर से मैं वही बात बोलूंगा, 1 लाख रुपीज आपको इन्वेस्ट करना है तो ये ऐसा टाइम है जहां पर आप केवल 20,000 करो, बाकी रखे रहिए। करेक्शन मार्केट में होगा, आज नहीं तो 2-3 दिन बाद होगा या फिर 1 वीक बाद, और जो एक फाइनल उसका 78% का निफ्टी का जो रिट्रेसमेंट बनता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, वो ऑलमोस्ट 11,000 के ऊपर बन रहा है। तो हो सकता है कि जब वो ये वाला रिट्रेसमेंट भी कंप्लीट कर ले उसके बाद में आपको रिकवरी दे, तो ऐसे में आपको वेट कर लेना है, ज्यादा बाइंग नहीं करनी है। अगर आप देखोगे यहां पर जो इसका रिट्रेसमेंट आ रहा है वो आता है 11,360 के आसपास में, यानी कि अब इसके ऊपर अगर निफ्टी कंटिन्यू करता है दैट इज 10,880, तो 880 के ऊपर कंटिन्यू करने के बाद में ये पहले तो जाएगा ऑलमोस्ट 11,060 की तरफ, 11,060 की तरफ जाने के बाद में ये जाएगा 11,360 या 300 की तरफ, और फिर वहां से आपको करेक्शन दिख सकता है। तो मैक्सिमम ये देखिए चांस है कि निफ्टी अगर अपना नेक्स्ट लेग ऊपर की तरफ लेके जाता है तो कहां तक जा सकता है। बाकी करेक्शन के जो संभावनाएं हैं और जो मोस्टली आप अगर देख रहे होंगे, मोस्टली लोग यही अभी इस समय यही बोल रहे हैं कि इसमें करेक्शन होना चाहिए, और जो समझदार लोग हैं वो लोग अपना धीरे धीरे पोर्टफोलियो खाली करते जा रहे हैं और कैश में कन्वर्ट कर रहे हैं अपने इक्विटी माल को, इक्विटी को कैश में कन्वर्ट करके वो वेट कर रहे हैं कि कब ये फिर से गिरता है मार्केट, फिर से वो एंट्री मारेंगे। और ये बेसिकली ऐसे लोग कर रहे हैं जो लोग स्विंग ट्रेडर हैं, स्विंग ट्रेडर इन द सेंस वेरी शॉर्ट टर्म के लिए वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि आज इन्वेस्ट किया जैसे ही उनका 10-20% बना निकल गए। जो लोग लंबे समय के इन्वेस्टर हैं उनके लिए तो कोई चिंता नहीं, मार्केट गिरे चाहे जितना नीचे गिर जाए उनको उतना फर्क नहीं पड़ने वाला है दोस्तों, अगर वो लोग क्वालिटी स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं, अच्छे स्टॉक्स। अब देखिए ऐसा भी नहीं कि आप इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस या DHFL टाइप का स्टॉक लेकर के बैठ गए और वो गिरता जा रहा है और आप बिल्कुल रिलैक्स्ड हो, या फिर यस बैंक टाइप का। तो ऐसे में आपको अच्छे स्टॉक देखने हैं, और समय समय पे देखिए पोर्टफोलियो में नो डाउट चेंज तो करना ही पड़ता है। अगर आपकी पर्टिकुलर आपका कोई स्टॉक सिलेक्शन था जो कि उसमें कोई ना कोई रेड फ्लैग फाउंड हो गया, ठीक है, कोई वहां पे ऐसी अनियमितता दिख गई जहां पर उस स्टॉक में कोई स्कैम दिख गया, इस टाइप की चीजें दिख जाती, तो आदमी को तुरंत वहां पर सचेत होकर के अपना माल निकाल लेना चाहिए तुरंत का तुरंत, और बेटर है अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। बहुत सारे देखिए निफ्टी 50 के अंदर जितने भी स्टॉक है आपको अच्छे ही मिलेंगे, तो उन स्टॉक्स पे आप नजर बना के चलिए। तो SBI पे मैंने अपना व्यू बोल दिया है, 203 के ऊपर जाता है देन 210, 215 और 220 के लेवल दिखा सकता है। सिमिलरली M&M फाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो ये फिर से अगर कंटिन्यू करता है ऑलमोस्ट 207 के ऊपर, 207 रुपए के ऊपर जाता है, तो इंट्राडे में आपको 3-4 पॉइंट, और पोजिशनल अगर ये देखिए क्लोजिंग दे देता है 210 के ऊपर, 210 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे देता है M&M फाइनेंस, तो फिर ये कंटिन्यू करेगा ऑलमोस्ट 250 के लेवल के लिए। और डाउन साइड में अब जब इतना किया है तो डाउन साइड में भी देखिए हमें देख के रखना है, डाउन साइड में 200 का आप स्टॉप लॉस बना के रखिएगा इंट्राडे में, या फिर शॉर्ट करने की जब जहां पर बात आती है तो वहां वेट कीजिए, 200 का लेवल जब ये ब्रेक करता है उसके बाद में ही आप इसको शॉर्ट कर सकते हो। इंट्राडे में शॉर्ट करोगे तो 5-10 पॉइंट्स के लिए शॉर्ट करना, उतना आप इस पे कर सकते हो। तो दो स्टॉक्स हो गए, अब चलिए देखते हैं ITC की खबर लेते हैं इसमें।
आईटीसी की दोस्तों बात करेंगे तो फिर से वही लेवल इस पे है, वही सपोर्ट है। अब देखना ये है, इंटरेस्टिंग चीज है कि ये इसके बाद क्या करता है, यहां से नीचे जाता है कि ऊपर जाता है। इस पे चांसेस जो है वो पूरे पूरे ऊपर के हैं, रिकवरी के चांसेस हैं इसमें। जितना इसको देखिए गिरना था गिर गया 200 के लेवल से। हालांकि फिर भी शॉर्ट टर्म के लिए मैं बताता हूं, इस पे यहां से रिवर्सल अगर हमें दिखता है 194-193 के लेवल से, तो फिर आप ऊपर की तरफ इसको 195 क्रॉस होते ही, जैसे ही 195 को क्रॉस करता है उसके ऊपर क्लोजिंग देने लगे, तो आप इसको 3-4 दिन के लिए, 3-4 डेज के लिए आप इसको ऐड करिए आईटीसी को। ये आपको 200 से लेकर के 205 तक के लेवल फिर से बना के दे देगा आईटीसी। डाउनसाइड की अगर बात करूं, अगर ये 193 के नीचे जाने लगे, इफ इट गोज बिलो 193, देन आईटीसी कैन शो यू 187 एंड 180 लेवल अगेन। और एक चीज मैं भूल रहा हूं यहां पर, दैट इज थोड़ा नोट पैड में कुछ लेवल्स आपके लिए लिख दूंगा। आईटीसी आईटीसी के लेवल ही आपको मैंने दे दिए। अब चलिए बात करते हैं एचयूएल की। सो इन एचयूएल में अगर आप देखते हो, बहुत पहले से देखिए एचयूएल ने बहुत अच्छा खासा इंतजार करवाया है दोस्तों। और जब लोगों ने इसको ऐड किया था 2000 के लेवल पे या 2050, इवन अगर उन लोगों ने ऐड किया था 2100 के लेवल पे, यानी 2100 के लेवल पे भी ऐड किया था, और लगातार वो वेट कर रहे थे, पूछते रहते थे सर एचयूएल का क्या करे क्या करे, और मैं सेम चीज बोलता था होल्ड पे रखो, अच्छा स्टॉक है। मैं तो मनाता हूं कि ये स्टॉक 1900 1700 1500 पर चला है भाई, जो मौके मिस किए। 1700 के आसपास इस स्टॉक को मैंने खरीदा था, और उसके बाद में ऑलमोस्ट 1770 या 1780 का याद है मुझे, जब मार्च में सबसे भयंकर वाला फॉल हुआ था, उस टाइम पे मैंने देखिए रिस्क लिया था केवल 50 स्टॉक्स का, और उसको मैंने दूसरे दिन जब ये हाई पे आया है 2000 के लेवल पे, हालांकि ये 2065 और 70 तक गया था, मैं इसको 2000 के लेवल पे उसी दिन निकाल दिया था, यानी आज खरीद के कल तुरंत मैं निकल गया था इस पर। उसके बाद से फिर मैं सोच रहा था अब नीचे आएगा, यहां पे नेक्स्ट डे 23 मार्च को आया नीचे, लेकिन मैंने एंट्री नहीं ली। मुझे लगा भाई और नीचे आ जाएगा, यानी 1700 के भी नीचे आ जाएगा, लेकिन वो आया नहीं, तब से वेट कर रहा था। फिर ये जब इसने हाई लगाया 2600 का, थोड़ा खला मुझे, लेकिन मैं कोई बात नहीं, मैंने एंट्री नहीं ली। फाइनली जब ये यहां पर इस लेवल पे आ करके, यानी कि 2000 ये 1900 के नीचे के आसपास भी आ गया था, लेकिन जब ये 2000 के ऊपर फिर से आया, वहां पर मैंने फिर से ऐड किए 100 स्टॉक्स, और उसको मैं तब से रखे हुए हूं। और इस बार दोस्तों मैंने पहले भी बोला है, बिल्कुल ओपनली आप लोगों को पुराने वीडियोस में बोल दिया है, 2300 के नीचे नहीं निकालूंगा एचयूएल को, और इवन 23 पे जब ये आएगा तो मैं 50 स्टॉक्स ही बेचूंगा, 50 स्टॉक्स को रखे रहूंगा जब तक ये 2400 से 2500 के ऊपर नहीं आएगा, वो 50 स्टॉक्स तो मैं बेचने वाला नहीं हूं। हाँ, नीचे अगर आता है तो फिर और ऐड कर लेंगे, उसमें क्या है। तो एचयूएल में मेरी यही सलाह है, फिलहाल ब्रेकआउट आया है, अब इसको बेकार मत जाने दो। जिन लोगों ने समय को देखे, जिन लोगों ने कई दिन से होल्ड करके रखा हुआ था एचयूएल के लिए, ये उनके लिए समय आया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पे आप इसको होल्ड करो, जल्दबाजी में आपको निकलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है दोस्तों। 2300 फिर से बोलता हूं, 2300 एंड देन मैं बोलूंगा 2350 के लिए एटलीस्ट आप इतना तो वेट कर सकते हो, जहां आपने 2-3 वीक्स से वेट किया हुआ था एचयूएल में, अब थोड़ा और वेट कर लो, तो ये आपको 2300 से लेकर के 2400 तक के आपको प्राइस दे करके एचयूएल चला जाएगा। नेक्स्ट स्टॉक है मुथूट फाइनेंस का। जब मुथूट फाइनेंस की बात आती है,
स्टिल मैं मेरे लेवल्स इस पर इंटैक्ट है। अगर 1070 को ये ब्रेक कर देता है मुथूट फाइनेंस डाउनसाइड में, तो फिर आप डाउनसाइड में शॉर्ट कर दीजिएगा। ऊपर की तरफ इस पे ट्रेड तब तक मत लो जब तक कि ये 1105 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर नहीं चलने लगता है, तब तक मुथूट फाइनेंस में ऊपर की तरफ ट्रेड मत बनाइए। बाकी है तो ये अपने सपोर्ट के लेवल पे ही, जैसा कि आई थिंक अगर आप 2-3 वीडियोस बैक जाओगे, 2 या 3 वीडियो बैक में ही मैंने मुथूट फाइनेंस को डिस्कस किया था, राइट, और वहां पे दिखाया था आपको कि यहां से ये रिवर्सल लेते हुए दिख रहा है। तो ऐसे में दोस्तों अगर ये फिर से 1170 के नीचे आता है तो आप शॉर्ट कर सकते हो इंट्राडे में, सॉरी 1070 के नीचे आता है तो 1050 और 1040 के लिए आप शॉर्ट कर सकते हो। बट अगर ये 1100 के ऊपर ट्रेड करे तो 1105 का वेट करो। 1105 के ऊपर अगर ये स्टॉक निकलता है देन इट इज गुड फॉर अगेन 1130 1140 तक के लेवल आपको दे सकता है ऊपर की तरफ। अगर इसके बीच में बना रहे तो इसमें ट्रेड लेने की जरूरत मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगी, और ना ही मैं इस पे कोई हिम्मत करूंगा कि 1105 के ऊपर या तो लॉन्ग होऊंगा या तो फिर 1070 के नीचे शॉर्ट करूंगा, वो भी इंट्राडे पे स्टॉप लॉस लगा करके 1070 का। अब चलिए बात करते हैं ग्रासिम की। ग्रासिम में भी अगर आप देखोगे हैमर बना हुआ है और यहां से ये कई बार इसने देखिए सपोर्ट लिया है दोस्तों, और फिर से वही काम ये कर रहा है। अगर ये ऐसे ही इसमें रिवर्सल इसको दिखाना होगा तो मंडे को ये फिर से आपको रिवर्सल दिखा करके ऊपर की तरफ ये आपको 630 और 640 के लेवल स्विंग ट्रेड पर, यानी कि जब ये क्रॉस करता है 620 को क्रॉस कर लेता है तो वहां से आपको इंट्राडे में 625-630 तक के आप लेवल लेकर के चल सकते हैं। बाकी होल्ड अगर करते हो उसको 2-3 दिनों के लिए तो आपको फिर से ये 640 तक के लेवल बना करके दे देगा ग्रासिम। और अगर नीचे की बात करें तो वेट कीजिए थोड़ा, जब तक 600 के लेवल को ब्रेक नहीं करता है डाउन साइड में, उसके नीचे क्लोजिंग नहीं आती है, ग्रासिम को शॉर्ट करने से बचिए। नेक्स्ट स्टॉक है सन फार्मा। सो आईटीसी लिख दिया था, आई थिंक कुछ और भी मुथूट फाइनेंस मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी चले बहार के लिए वो जिंदगी किसी को होना इतना ही। आप इस पे 20 पॉइंट्स या फिर इसके ऊपर अगर ये कंटिन्यू करता है पोजिशनल अगर आप लेते हो। एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सन फार्मा। चलिए सन फार्मा को देखते हैं। और एक देखिए पुराने पुराने समय से आप लोग देख रहे हो तो मैं सन फार्मा को जब भी ये 470 के लेवल के आसपास पे आता है मेरी तुरंत रिकमेंडेशन आ जाती है कि बाई कर लो इसको। 490-480 मेरे लेवल्स होते हैं, बिल्कुल आपको रटे होंगे पहले से। आप लोग वीडियो अगर देख रहे हैं मेरे यूट्यूब पर डेफिनेटली आपको रटे होंगे कि जब भी 470 पर आता है ये स्टॉक नीरज जी तुरंत इसको रिकमेंड कर देते हैं। और दोस्तों मैं डेफिनेटली करता रहता हूं क्योंकि मुझे ये स्टॉक में अभी भी पोटेंशियल दिख रहा है। थोड़ा इसको क्लोज करने दो 500 के ऊपर, ये स्टॉक आपको जहां पर देखिए सारे स्टॉक्स अच्छे खासे रैली किए, स्टॉक अभी भी उतना रैली मुझे नहीं लगता है कि उसने किया हुआ है काफी समय से। अगर आप देखोगे 2019 से ये कंसोलिडेशन की फेज में है,
लेट मी शो यू। अभी भी देखोगे ये इसी चैनल पे था अभी तक, और अब ये चैनल के ऊपर आया है अभी, और अभी भी प्रॉपरली दोस्तों नहीं हम बोल सकते कि आया है, लेकिन अब ये रुकेगा नहीं। अगर ये 500 के ऊपर ये कंटिन्यू करने लगता है और मार्केट भी उधर इवन बियरिश ना हो, मैं कहता हूं फ्लैट रहे मार्केट, फ्लैट मार्केट में भी ये स्टॉक आपको 520, 560 इवन 600 के लेवल बना के दे सकता है, खास तौर से उनके लिए जिनका लेवल जिनका टाइम फ्रेम जो है वो मिनिमम 1 ईयर का है, तो वो लोग सन फार्मा में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जब भी 470, 460 आता है बिल्कुल आप उस पे, जो रिटेल इन्वेस्टर है उनके लिए तो मैं बोलूंगा कि एटलीस्ट 100-200 स्टॉक लेकर के रख लो आप इसके सन फार्मा के, और जब आप इसको 470, 460, 450 के आसपास में खरीदते होल्ड करो, ये आपको एक दिन 560, 600 के लेवल बहुत इजीली देगा। करंट में अगर मैं मंडे की बात करता हूं, अगर मार्केट फ्लैट होता है या फिर थोड़ा ऊपर चलता है तो सन फार्मा फिर से परफॉर्म करता हुआ दिखेगा और आपको 500 के लेवल दिखाएगा। क्लोजिंग इसकी 493 की है सन फार्मा की, तो 500 और 500 के ऊपर ये फिर उस 500 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे देता है जिस दिन सन फार्मा, उसके ऊपर फिर ये आपको 520 तक के लिए इसको आप होल्ड कर सकते हो शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म पे बिल्कुल होल्ड रखिए, जितना ऊपर जाए रखिए, एटलीस्ट 600 जब तक नहीं मिलता है मत निकलिए। इवन डाउन आ जाता है फिर से आ गया सपोज 440, क्या करना है सर, 440 पे आ जाए थोड़ा और वेट कर लो सर, उसके बाद में थोड़ा आने दो इसको। मैं कहता हूं 400 के लेवल पे भी आ जाता है, 100 स्टॉक पहले ऐड किए थे, 50 और ऐड कर लूंगा, ठीक है। फार्मा सेक्टर मैं आपको बता दूं ओवरऑल 2 से 3 साल तक में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न अभी और देगा, तो इस पे नजर रखिए सन फार्मा पे भी। देन नेक्स्ट स्टॉक है कोल इंडिया। कोल इंडिया तो एक जुआ है दोस्तों, डिविडेंड आपको देता रहता है, ये अच्छी बात है इसमें, और लास्ट टाइम जब ये 130 के लेवल पे था उस टाइम पे मैंने रिकमेंडेशन रखी थी व्हाट्सएप ग्रुप में, और इस बार ये फिर से आया है तो इस बार मैं इसको बिल्कुल पब्लिकली रखता हूं। इसमें जो मेरा व्यू बोलता है सन फार्मा में वो यही है कि इसको 130 के आसपास में अगर ये आता है तो आप इसको ऐड कर सकते हो, और अभी इसमें जो देखिए चांस रहेंगे 130 से अगर आपको रिवर्सल देता है ये स्टॉक तो ये कहां तक आपको दे सकता है, ऑलमोस्ट ये पूरा ट्राई करेगा दोस्तों 142-143 तक का ये ट्राई करेगा। मगर अगर आपने 130 पे इस स्टॉक को ऐड कर लिया और नीचे चला गया तो क्या, तो दोस्तों नीचे अगर जाता है तो मार्च का जो लो बना हुआ है उसी को हम अपना स्टॉप लॉस रख करके चलेंगे। ओवरऑल तो मैं बोलता हूं कि इस स्टॉक को बेटर है ऐड करके ही रखिए, यानी कि अगर आपने अगर आपने कोल इंडिया को 130 के लेवल पे भी ऐड कर रखा है तो आप इसको कोई दिक्कत नहीं है, 120 तक आता है आप इसको होल्ड करके रखिए और 120 का स्टॉप लॉस बना करके चलिए इसमें। तो 120 के स्टॉप लॉस के साथ में आप इसको 142-145 तक के लेवल के लिए फिर से होल्ड कर सकते हो, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है इन केस अगर ये नीचे आता है। और हाँ दोस्तों, कोल इंडिया इज नॉट फॉर इंट्राडे, ये मैं आपको जरूर बता दूं, कोल इंडिया इज नॉट फॉर इंट्राडे फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, पोजिशनली ऐड करना है, ऐड कर लो, डिविडेंड वगैरह मिलता रहेगा इसमें आपको और सही लेवल पे है। अब चलते हैं गोदरेज प्रॉपर्टी पे, इसमें एक मोमेंटम आया है और ये स्टॉक अगर 700 के ऊपर ये निकलता दिखे आपको, सॉरी 900 के ऊपर, अभी 892 पे ये ट्रेड कर रहा है, 900 के ऊपर अगर ये निकलता है तो फिर से इस पे कूद जाना और इंट्राडे में दोस्तों 5-10 पॉइंट्स बना लेना, बहुत सिंपल है। 900 के ऊपर अगर गोदरेज प्रॉपर्टी आता है मंडे को तो ही इसमें कूदना और 10 पॉइंट इंट्राडे में बना करके सेफ निकल जाना। सो इफ गोदरेज के लिए मैं लिख देता हूं कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं पे मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर गली से बार बार, जीना इसी का नाम है।
जो इसमें टारगेट रहेंगे 920 तक के रहेंगे। अब चलिए चलते हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पर। इस पे दोस्तों स्विंग ट्रेड करना है कर सकते हैं आप थोड़ा इस समय, हालांकि स्टॉक तो उतना काफी इस पे रेड फ्लैग पाए गए हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको स्टॉक पे दो स्विंग ट्रेड लेना है तो अभी भी इतना बुरा नहीं है। और इस पे जिस हिसाब से पोटेंशियल दिख रहा है 220 का स्टॉप लॉस लगा करके आप इसको वेट की। पहले तो स्टॉप लॉस मैं आपको मैंने बता दिया 220, जो लोग पोजिशनली इसको होल्ड करना चाहते हैं और ये इस रेंज के ऊपर निकलता है यानी 237 के ऊपर आपको अगर ये सस्टेन करता दिख जाए, 237 के ऊपर सस्टेन करता दिख जाए तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को आप 245-250 के टारगेट्स के लिए ऐड कर सकते हो। अब यहां पे ट्रिक आती है, देखिए इंट्राडे, सर मैं इंट्राडे करना चाहता हूं, ओके डू वन थिंग फॉर इंट्राडे, बाय ओनली अबो 237, टारगेट 243-245 तक के रखो इंट्राडे में, 5 पॉइंट मिल जाए निकल जाओ, पोजिशनल 250-255। एसएल क्या रखना है सर यहां पर, तो एसएल आपका 233 रहेगा इस केस में पोजिशनल, और इंट्राडे में जब आप 237 को लेते हो तो यहां भी आपको सेम एसएल रखना पड़ेगा। अब इसके बाद में एसबीआई हो गया है हमारी तरफ से, निफ्टी हो गया है और बैंक निफ्टी और ग्लेनमार्क भी हो चुका है। अब दोस्तों देखिए सबसे बाद में मैं ये चीज डिस्कस करता हूं, तो अगर आप लोगों को अभी भी व्हाट्सएप सब्सक्रिप्शन लिस्ट में ऐड होना है उसके लिए आपके पास सोल्यूशन है। सोल्यूशन यही है कि देखिए पेड सब्सक्रिप्शन तो क्लोज्ड है, लेकिन आप एंजल ब्रोकिंग या फिर अपस्टॉक में फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करके मेरे रेफरल लिंक से, खास तौर से इस चीज को याद रखिएगा, मेरे रेफरल लिंक के थ्रू जब आप फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करते हो एंजल ब्रोकिंग या अपस्टॉक में, तो फिर आप व्हाट्सएप लिस्ट में ऐड हो सकते हो। बट मेक श्योर, एक यहां पर दोस्तों मैं जो कि क्लियर बोलता हूं, मेक श्योर कि आप अगर कंटिन्यू ट्रेड इन्हीं अकाउंट पर जो मेरे रेफरल से आप ओपन करोगे आइदर एंजल ब्रोकिंग और अपस्टॉक, अगर इस पे आप कंटिन्यू ट्रेड करते हो, स्विंग ट्रेड मैं बोलता हूं अगर इंट्राडे नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपकी हैबिट नहीं है, तो जब पोजिशनली आप उस पे ट्रेड लीजिए, लेकिन आप इस पे जब एक्टिव रहते हो तो ही आप व्हाट्सएप लिस्ट में भी एक्टिव रहोगे। अगर आप वन मंथ से ज्यादा उस पे इनएक्टिव रहते हो तो फिर दोस्तों वहां आपको खोलने का, इसमें रेफरल अकाउंट में खोलने का कोई भी फायदा नहीं है अकाउंट, क्योंकि बाद में आप रिमूव किए जा सकते हैं। तो आपको मंथ में एक या दो बार भी ट्रेड लो उस पे। अब स्टॉक में देखिए ऑफर चल रहा है ऑलरेडी, ये 12 जुलाई तक का ये ऑफर है, फिर से बोल देता हूँ 12 जुलाई तक का ऑफर है। और आपको जो इसमें मेरे रेफरल लिंक चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं कहां पर मिलेगा। कोई भी आप वीडियो ओपन करोगे, इवन जो आज अभी जो आप वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो में भी जब आप जाओगे नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है, वहां पर आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल तो मिलेंगे ही, साथ में ये रहा एंजल ब्रोकिंग का यूआरएल और ये रहा अपस्टॉक का, और इसके साथ में निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स कहां मिलेंगे वो आपको मिलेंगे यहां पर। तो मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो लेवल्स हैं यहीं पर अपडेट कर देता हूं डेली, तो नेक्स्ट वीक के लिए यानी मंडे के लिए भी लेवल यहीं पर अपडेट कर दूंगा वीडियो में। अब चलिए बैंक निफ्टी की बात करते हैं, 23,000 के ऊपर ये कमजोर पड़ जाता है बार बार। तो दोस्तों बैंक निफ्टी में जब तक, पहले भी बोला था 23,100 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है बैंक निफ्टी, तो पोजिशनली इस पे लॉन्ग मत बनाइए। पोजिशनली लॉन्ग बनाना क्या होता है, आपने आज बैंक निफ्टी का फ्यूचर खरीद लिया, जैसे ही वो 23,000 आया आपने फ्यूचर खरीद लिया और मार्केट एंड होने को है, आपने एग्जिट नहीं मारा, राइट। अब एग्जिट नहीं मारा तो दोस्तों आप कहीं ना कहीं रिस्क ले रहे हो ऐसे लेवल पे आकर के, तो बेटर है मतलब जब ये 23,000 के ऊपर क्लोजिंग दे आकर के उस दिन आप इस पे लॉन्ग बनाइए यानी पोजीशन बनाइए ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ ज्यादा नहीं 23,500 तक भी आए आप वहां से बुकिंग करके निकल लो। और ऑलमोस्ट रिसेंट में आप अगर देख रहे हो 23,125 के आसपास में ये गया है,
तो इस पे दोस्तों अभी भी चांस बने रहेंगे। अगर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट और निकालता है, कंटिन्यू करता है, तो फिर वो डेफिनेटली 11,000 और 11,300 के आसपास भी जा सकता है, क्योंकि है क्या, लोग वेट कर रहे हैं कि अब करेक्ट होगा, और ऐसे में ये लोग बना रहे हैं लोगों को उल्लू। सीरीज ही बात है, अभी और ऊपर फिर ले जाते रहेंगे, और जब आप सोचेंगे यार अब तो 11,000 के ऊपर आ गया, अब मार्केट लगता है 11,500 और 12,000 भी जाएगा, उसी समय आपका काट के निकल लेंगे। सडन आपको हो सकता है कि वहां से सेलिंग दिख जाए, फिर लोग फंस जाएंगे। तो पोजिशनल बात करते हैं तो थोड़ा पोजिशन कम बना के रखिए। सुबह मार्केट में पोजिशन बनाई, शाम तक आपने काट ली पोजिशन, दैट इज वेरी गुड एट दिस सिचुएशन। 100 बात की एक बात है, मैं बता रहा हूं आपको, इस समय सबसे ज्यादा बेटर यही है, सुबह पोजिशन बनाओ, शाम तक निकाल लो अपनी पोजिशन। और बैंक निफ्टी की जब बात करते हैं, अभी भी सपोर्ट है, 20,000 का सपोर्ट यहां पर बना रहेगा, हालांकि 20,300 के आसपास पे इसकी क्लोजिंग है, 20,000 का एक सपोर्ट है इसका साइकोलॉजिकल, उसके नीचे ब्रेक करता है देन 21,700 और एंड 21,500। ऊपर की तरफ की बात करूं, 23,100 के ऊपर जब क्लोजिंग दे तभी उस पे लॉन्ग बनाइए। तो दोस्तों बैंक निफ्टी में मेरा इतनी आपको एक सलाह थी, बाकी कुछ बैंकिंग स्टॉक्स जैसे SBI डिस्कस किया है, वैसे HDFC बैंक, कोटक बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक में जो भी बनता है वो मैं काम करता हूं टेलीग्राम चैनल पे, NRJ फाइनेंस करके टेलीग्राम चैनल है, और लिंक को देख लीजिए t.me/nrjfinance। एक डुप्लीकेट चैनल भी है तो उसमें मत आप फंस जाइएगा। तो आप इस चैनल पे ऐड हो सकते हैं, वहां पे मैं काफी वीकेंड है तो देखता हूँ, 2-3 चार तो मैं एटलीस्ट पोस्ट करूंगा ही करूंगा। साथ में ट्विटर पे भी आप बने रह सकते हैं, रिसेंट में बजाज फाइनेंस को मैंने ट्विटर में शेयर किया है, अगर आप देखोगे बजाज फाइनेंस में मेरा क्या व्यू है, वो मैंने एजुकेशनल पर्पस के लिए कर दिया है। मेरा मानना यही है कि बजाज फाइनेंस ऑलमोस्ट अगर थोड़ा और ऊपर चलता है निफ्टी, और अभी मार्केट में थोड़ी और खरीदारी आती है, देन डेफिनेटली बजाज फाइनेंस भी आपको 3500 तक के लेवल तक जाता दे सकता है, और मैक्स जो इसका 78% का रिट्रेसमेंट जो आएगा वो आएगा 3700 तक, और वहां से फिर अगर सेलिंग दिखती है तो बिल्कुल सेलिंग आप कर सकते हो। और सपोर्ट फिलहाल जब तक 3000 का लेवल ब्रेक नहीं करता है तब तक एक वैसा फॉल आप इस पे नहीं देखोगे जैसा लास्ट टाइम में आप लोगों ने देखा हुआ था। तो बजाज फाइनेंस में मेरी ये देखिए जो राय थी वो मैंने रख दी है। पेट्रोनेट बच गया, ये पेट्रोनेट का भी दोस्तों जिन लोगों ने ऐड किया है पेट्रोनेट को शॉर्ट टर्म के लिए ऐड करना है, उनके लिए जो स्टॉप लॉस है 253 का है, 253 का स्टॉप लॉस बनाए रखें और इस ट्रेड पे बने रहें। अगर आपको निकलना है, लार्ज क्वांटिटी है, तो फिर आप एक काम कीजिए 257 का स्टॉप लॉस भी रख सकते हो। ये स्टॉप लॉस मैंने शायद व्हाट्सएप पे भी आई थिंक शेयर किया था, 257 का स्टॉप लॉस बना करके जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए बने हुए हैं वो लोग निकल जाए, जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए वो लोग एटलीस्ट 253 तक रुको, और जो लोग 1-3 ईयर्स के लिए बिल्कुल सोच के बैठे वो लोग सेलिंग मत करो। अगर आपके पास 200-300 स्टॉक इवन 500 स्टॉक्स भी है पेट्रोनेट का, रहने दो सर, सेलिंग मत करो। हाँ, 253 अगर ब्रेक करता है 300 शेयर अपने बेच दो, 200 तब भी रखे रहो, वो लॉस रिकवर होगा आपका आगे चल के, डोंट वरी। अगर ये फिर से आता है स्टॉक 200 के आसपास में, फिर ऐड कर लेंगे 100 स्टॉक, और नीचे गिरता है बिल्कुल वर्स्ट सिचुएशन मार्केट में आ जाएगी, तो केवल पेट्रोनेट ही नहीं गिरेगा दोस्तों, पूरा शेयर मार्केट गिरा रहेगा। तो ऐसे टाइम पे जब ये 170-180 आएगा फिर ऐड कर लेंगे, राइट। तो लॉन्ग टर्म के लिए सोचा है तो फिर होल्ड रखे रहो, बिल्कुल मत डरो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीकेंड में देखता हूं और कुछ अगर इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाता हूं मैं टेलीग्राम चैनल पे कर दूंगा या ट्विटर पे कर दूंगा, और यूट्यूब में आई थिंक 1 वीडियो इज इनफ, लेकिन अगर कोई स्टडी रिलेटेड होगा डेफिनेटली मैं पोस्ट करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।